वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मई 1993 लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण। यह तो बिल्कुल वर्तमान की तत्काल की वस्तु है। देखो एक सांसारिक उन्नति होती है एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोनों में दो कायदा है एक कायदा नहीं है। सांसारिक उन्नति तो धीरे धीरे होती है
और पारमार्थ प्राप्ति तो तत्काल होती है। हमारे भाई बहनों में एक धारणा पड़ी है कि उसकी प्राप्ति जल्दी नहीं होती, ये बात है खास। तत्काल कैसे प्राप्ति हो जाएगी? जब मामूली काम करते हैं उसमें भी देरी लगती है। ये कार्य तो सर्वोपरि है, इसमें समय लगेगा, बुद्धि लगेगी, योग्यता होगी, अधिकारी हम होंगे तब प्राप्ति होगी। ये खास बाधा है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। गीता के अनुसार ज्ञान में लिखो तो अपिचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम। जितने सर्व पापी है उन पापियों से सबसे अधिक पापी हो। अपिचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य करने पर भी सर्वेभ्य लगाया, पापेभ्य में सर्व शब्द पड़ा है, फिर सर्वे लगा दिया, कोई संकोच न करे। और उस संपूर्ण पापियों से अधिक पापकृत हो, पापकृत और पापकृत तर दो में से जो पापकृत तर होता है और सब में से जो उसको पापकृत तमा कहते हैं। तम अतिशय तम विष्ठन हो, तम विष्ठन ये प्रत्यय अत्यंत में होता है, तो अत्यंत पापी जिससे बनकर पापी कोई हो ही नहीं सकता कभी भी, ऐसा पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है संपूर्ण पापों में तर जाती है, सब पाप नष्ट कर देता है। तो के तर जाने से समुद्र तो बाकी रहता है। तो गाड़ी कहते हैं यदि धर्म से समृद्ध हो गए भस्मसात कुरते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। जैसे दागती हुई आग हो बड़ी प्रज्वलित, उसमें काट दगे तो उस दग से क्या ही लगती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में अनंत जनों के पाप सब के सब भस्म हो जाते हैं। अनंत जन्मों के पाप ज्ञान की अग्नि भस्म हो जाते हैं। अग्नि के कायदा ने भी कितना काट जलाएगी वो मन, दो मन, चार मन, दस मन, बीस मन, ये कहे नहीं हजारों मन होता है। अग्नि को कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ता, कोई काट ज्यादा जलाने में कुछ मेहनत ज्यादा होती हो, ऐसी बात नहीं है। उस वैसे है सामने हजारों मन लाखों मन हो अग्नि सामने है वसम, ऐसे पाप कितने हैं कहने की कोई जरूरत नहीं। केवल आपकी ये हो जाए धारणा, ज्ञान अभी प्राप्त हो सकता है तो अभी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान पहर आप हो और उसको आप प्राप्त करना चाहते हो दोनों मौजूद, तो देरी का क्या काम। ऐसी विष्णु बात है। मैंने भाइयों से कहा है, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, मेरे समझ में उनको फायदा हुआ है, आप सबको हो सकता है फायदा। बहुत जल्दी तत्काल अभी 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 इसी क्षण अभी आप तैयार हो जाए, पर आपके मन में धारणा के देरी लगेगी, देरी लगेगी, देरी लगेगी, तो देरी लगेगी आपको, क्योंकि आपने धारणा कर ली आप हम सबके सब भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जैसी धारणा करे वैसी सिद्धि हो जाती है। तो ये धारणा देरी की आपने कर ली, इतना पढ़ेंगे, इतना सुनेंगे, इतना श्रवण करेंगे, इतना मनन करेंगे,
इतना ध्यान करेंगे, इतनी समाधि होगी, उसके बाद ऐसे होगा, ऐसे न जाने कितने कितने कल्पना आपने कर लगी। ये सब महान बातें है। तत्काल कैसे हो जाएगा? तत्काल होने को ज्ञान कहते हैं। भगवान कहते हैं तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नाथ विन्दति, स्वयं उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते स्वयं। कैसी विलक्षण बात है, ज्ञान प्राप्ति के सब अधिकारी है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने में सब अधिकारी है, दूसरे का हक और दूसरे की चीज लेने में अधिकारी है, नहीं होता, योग्यता से मिलती है, और अपनी चीज प्राप्त करने में कौन अधिकारी है बताओ? अपने स्वरूप की प्राप्ति तो उसमें देरी, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी दुख की बात है। आपका स्वरूप जो सबको अनुभव है इसका आप ध्यान दो, आपको पूछा जाए कि मैं हूं, इसमें कोई किसी को संदेह है कि भाई मैं हूं कि नहीं हूं पता नहीं हूं, अथवा मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं विपरीत भावना, अरे हूं कि नहीं हूं ये संशय असंभावना, ये दोनों दोष नहीं है। मैं हूं, कोई भाई बहन सुनता हो तो मेरी बात सुने और मैं हूं इसमें संदेह हो बोले खटक खड़ा हो जाते हो बोले भाई से कहना है मैं हूं इसमें संदेह हो अथवा मैं नहीं हूं ऐसे विपरीत धारणा हो तो भाई बोले खड़ा हो कुछ बताओ मेरे को। ये अपना ज्ञान अलुप्त है, सदा स्वतः देदीप्यमान है, ये कभी लुप्त नहीं होता, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में मूर्छा में समाधि में कभी भी ये लुप्त नहीं होता। आपको जन्म से अभी तक अपना होना पर निरंतर बना है, ऐसे नहीं बीच में मैं नहीं था अब हो गया हूं, ऐसा नहीं होता। अहंकार आपका जागृत और स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में लीन हो जाता मन बुद्धि अहम, परंतु उस समय मैं सुख से सोया मेरे कुछ भी पता नहीं था, जो सब पते का अभाव का अनुभव आपको था, अहं के भाव का अभाव का दोनों को आपका पता है, आप अपने को जानते हैं मैं हूं, बताओ इसमें कोई संदेह हो तो बताओ। जागृत में आप है, स्वप्न में आप है, सुषुप्ति गाढ़ उसमें है, मूर्छा में है आप है, समाधि लगाओ तो समाधि नहीं है, अनुभव नहीं हो उसमें भी आप है, आपका न होना पना कभी हो नहीं सकता, युग युगांतर बीत जाए तो भूत ग्रामा स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, महाप्रलय महासर्ग प्रलय और स्वर्ग में भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, पैदा होकर लीन होता है, पैदा होकर लीन होता है वही है, तो पैदा होकर लीन होता है तो शरीर, और भूत ग्राम सयम जो पहले कर्म था वही आज भूत समुदाय है, तो आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हो, और नित्य निरंतर रहने का अनुभव करने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान कोई जानवर नहीं है, कोई बड़ी भारी विद्या नहीं है, स्वयं के अनुभव की बात है कि मैं हूँ, ये तो है ही आपको। अब इसके साथ उस शरीर को मिला देते हैं, बुद्धि को मिला लेते हैं, मन को मिला लेते हैं, इतनी सी गलती है। ये आने जाने वाले कभी मन बुद्धि इंद्रियां रहती है, कभी मन बुद्धि इंद्रियां नहीं रहती, इनके अभाव का अनुभव आपको सुषुप्ति में होता है,
इसके अभाव को ना इसका ये मैं नहीं हूँ, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न इंद्रिया हूँ न अहंकार हूँ। अब ये भी मैं नहीं हूँ तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये कैसे होगा? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अंधज हूँ, मैं अजन हूँ, कैसे होगा? आप है ही नहीं है, ये एक शरीर की चोरी है, वो है स्त्री है तो चोरी है, पुरुष है तो चोरी है, आप वो नहीं हो। गीता दर्पण में परमात्मा के लिए, जीवात्मा के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द आया है। ये पुरुष वैसी बात नहीं, स्त्री वैसी बात नहीं, नपुंसक हो ये बात नहीं है। आप ऐसे कैसे हो? स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक में, सब में, छोटे में, बड़े में, बालक में, जवान में, बूढ़े में, रोगी में, निरोगी में, मैं हूँ। ये होना पना आपका निरंतर है, ये रोगी पना निरोगी पना बदलता है। आप बदलते हो क्या? आप तो वही रहते हो। अगर वह न रहते तो स्वप्न का अनुभव किसको होगा? अगर जागृत हो जाए तो फिर जागृत का अनुभव कौन करेगा? अगर स्वप्न का अनुभव कौन करेगा? सुषुप्ति का कौन करेगा? आप स्वयं अनुभव करते हो। तीनों अवस्थाएं बदलती है, सुख स्थूल कारण तीन तरह शरीर है, ये बदलते हैं, परंतु आप वही रहते हो। और अनंत जन्मों से अनेक दुनिया में होते हुए भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर स्थावर जंगम वृक्ष जलचर थलचर नवचर जितने बनते आए हो बदलते आ रहे, आप उम्र के वही रहते हो गए कोई? तो आपका निरंतर रहना पड़ा और शरीरों का न रहना पड़ा, सबके अनुभव की बात है। जो बदलता है वो मेरा स्वरूप नहीं, नहीं बदलता है मेरा स्वरूप है, इतनी सी बात। आप निरंतर रहते हो, शरीर निरंतर बदलता है, शरीर बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता। आप युग युगांतर भी यार ब्रह्मा जी कह गई हो जाए तो भी आप नहीं बदलते, आप हो के वो रहते हो, वो नित्य रहने वाला मेरा स्वरूप है, इतनी सी बात है। अभी आपके समझ में न आवे तो न सही, आप कृपा कर मान लो। नहीं तो अनेक धर्मों में कौन गया, नरकों में कौन गया, स्वर्ग में कौन गया, ऊंच नीच योनि में कौन गया? कारण गुण संगोष्ठी अष्टादश योनिषु, ऊंच योनि और नीच योनि में जन्म होता है उसमें गुणों का संग है। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और अधोगच्छन्ति तामसा, ये गुणों के संग होने से ना होता है। अब गुणों के आप संग करे न करे, या एवं वेति पुरुषम प्रकृति इनसे गुण ही सह, गुणों के प्रकृति अलग विभाग है, आपका निर्गुणों से अलग विभाग है। निर्गुणत्वात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अनंत अनादि होने से और निर्गुणों से आप गुण नहीं है, सत्व आपके साथ नहीं है, आप गुण रहित हो, तभी तो गुणातीत हो जाते हो। नहीं गुणातीत कैसे होगा? गुणों से अतीत है वो गुणातीत होता है, गुणों के साथ होने वाला गुणातीत नहीं हो सकता। अनादि होने से निर्गुण होते हैं। परमात्मा अयम अव्यय अविनाशी, परमात्मा आत्मा ये आप हो, जो मैं हूँ ये कभी गुणों में नहीं हुआ। गुणों को आप पकड़ते, गुण आप में नहीं पकड़ते। शरीरस्थो भी बोलते न करोते न लिपते, न करता होता न लिप्त होता। आप वो बालिक अवस्था में हुई, जवान अवस्था में हुई, बूढ़ी अवस्था में हुई, बीमार अवस्था में हुई और अस्वस्थ अवस्था में भी हुई, ये आप विचार करो। मैं तो वही हूँ, रोगी था वो मैं, निरोगी था तो मैं, तो वही हूँ, आप तो वो के वही है। अब आप ही की तरफ अपना विचार करें कि मैं हूँ, आपका होना पर नित्य निरंतर है, और अवस्थाओं का रहना निरंतर नहीं है, व्यक्तियों का रहना निरंतर नहीं है, संसार का संयोग निरंतर नहीं है,
ये तो सब वियोग होता है। और इतना सबका वियोग होता ही है, अवस्थाओं का वियोग होता, देश का वियोग होता, काल का वियोग होता, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अवस्थाओं का, परिस्थितियों का वियोग होता है। तो आप ये परिस्थिति नहीं है, आपका सदा मैं हूँ रहता है, निरंतर किसी परिस्थिति में हो, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति बदलती है, परंतु आप नहीं बदलते हो। जो नहीं बदलते वो आपका स्वरूप है। सज्जनों, बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं है। कृपा करो, जो न बदलने वाला है वो मेरा स्वरूप है, ये बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। वासांश जी ने बताया, कपड़े बदलते हो तो क्या आप दूसरे हो जाते हो? ऐसे शरीरों के बदलने से आप दूसरे हो जाते हो? कर्म करने के भोग भोगने के लिए नरकों में जाना पड़ता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु सर्वभूतेषु येन भायुम् अभ्यमीषते अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानम् विद्धि सात्विकम्। ये ज्ञान तो अभी इसी क्षण हो जाए कि सब विभाग होते हुए मैं विभाग नहीं दूं। शरीरों का विभाग होने पर मेरा विभाग नहीं है, अवस्थाओं का विभाग होने पर मेरा विभाग नहीं है, परिस्थितियों का विभाग होने पर मेरा विभाग नहीं है, घटनाओं का विभाग होने पर मेरा विभाग नहीं है, अनेक तरह क्रिया अनेक होती है, क्रियाओं में मेरा विभाग नहीं है। मैं तो अविभक्तम विभूतेषु विभक्तम एव अस्तित्व हूँ, विभक्ति की तरह हूँ। तो विभक्ति तरह क्यों? शरीर को साथ लेकर के अलग अलग होते हैं। वो आप है अविभक्तम भूतेषु विभक्तम एव, तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्। सर्वभूत है वो तिष्ठने, वो गच्छत, सब शरीर जाते हैं, आप जाते नहीं हो। विनश्यसु अविनश्यन्तम्, शरीर प्रकृति पदार्थ सब बदलते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप बदल जाते हैं क्या? आप नहीं बदलते। विनश्यसु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, वह देखता ठीक तरह से। अरे समम पश्यन ही सर्वत्र, सब जगह समान ऐसे देखते होगा। समम अवस्थित ईश्वर, समान रीति से स्थिति को समान देखता है। तो न हिनस्ति आत्मना आत्मनम, तो अपनी हत्या आप नहीं करता, ईश्वर परम गति में जाता है। जो आप माना जन माना अपने को मान रहे हो, ये आत्मघाती महापापी है, ये अपना नाश करता है। जो समान रूप से डरता देखता, न हिंसा आत्मा न आत्मान, अपने से अपनी हिंसा नहीं करता, तो तू याद ही परांगति। आपका स्वरूप क्या है? आप ध्यान तो बताओ आपको। अब सीधी बात है, इसमें बता रही क्या, केवल उधर ध्यान कराना है, कोई नई बात नहीं है। नई बात मेरे पास है नहीं कि लाऊं कहां से, वो आपके वही बात है। ध्यान तो आप हैं, आपके क्या रूप है? आपका रूप है होनापन। पत्थर है, ईंट है, चूना है, वृक्ष है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, त्यागी है, रागी है, भोगी है, राक्षस है, असुर है, ये सब है एक है। वो है आपका स्वरूप है। ये स्त्री पुरुष आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि आपका स्वरूप नहीं है, तो बदलता है। बच्चा और जवान और देह में ध्यान दे रहे, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, धीरज पता न मुहि। अभी धीरज में कैसे मोहित होगा? ये तो बदलने वाला विभाग है, आप न बदलने वाले विभाग हो। आप अवस्था बदली है,
आपकी परिस्थिति बदली है, आपका देश बदला है, काल बदला है, पर आप वही हो गए नहीं। सीधी बात है, मुफ्त में आप कठिनता खड़े करके कर रहे हो, हिम्मत छोड़िए, हो राजा हम तो नहीं है। नीचे से नीचा प्राणी अभी चेतसी पापे भय सर्वे भय पाप करता है, ऐसा पापी हो तो वो भी इस ज्ञान रूपी नौकर कर जाएगा। अधिकार कहते नहीं सर, ऐसा अधिकारी होगा फिर क्या होगा, विवेक होगा, दया की होगा, समस्या हो गए, मोक्षता होती है, फिर क्या करेगा, श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर निर्ध्यास करेगा, फिर ध्यान होगा, फिर समाधि होगी, तब प्राप्ति होगी। क्यों लंबा रास्ता करो बाबा, मुफ्त में नाहक आप क्यों पैदा करते हो आप, बताओ इसमें क्या निर्ध्यास कर अंत में क्या होगा, ये समय आप हो यही होगा, इसके सिवा क्या होगा बताओ, आपने करके देखा है, पढ़ कर देखा है, कोई चीज मिली हो तो बताओ मेरे को, वैसे बता दू। ये तो सब अवस्थाओं है, अवस्थाओं भूली भरी भूली क्या है, आप अवस्था से अतीत है, सब अवस्थाओं को जानने वाले हो, श्रवण को जानते हो, मनन को जानते हो, निर्ध्यास को जानते हो, विवेक को जानते हो, वैराग्य को जानते हो, मुमुक्ष को जानते हो, जिज्ञासा को जानते हो, सर संपत्ति को जानते हो, तो जानने वाले आप हो, ये मुमुक्ष आदि आप हो, विवेक आप हो, वैराग्य आप हो, क्या सर संपत्ति आप हो, क्या मुमुक्ष आप हो, आप यू जानने वाले साक्षी स्वरूप नित्य निरंतर रहने वाले हो आप। अब उसे फर्श कर यूं करेंगे सर, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, क्यों आफत पड़ते हो अंधाता, कृपा करो मेरे पर मेहरबानी करो। आप सब में रहने वाले ऐसे कैसे जैसे के तैसे हैं, अज्ञानी से अज्ञानी, ज्ञानी से ज्ञानी, महात्मा से महात्मा, दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा, सब में आप एक हो, है जू के जू हो। ये ऊपर से चोली में होने वाली चीजें हैं, ये मन बुद्धि इंद्रिया में शरीर में होने वाला विकार है, ये विकार होगा, ये तो होगा। ज्ञानी के भी गुणातीत के भी प्रकाश अंत्य प्रवृत्ति अंत्य मोह में उच्च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता निवृत्ता कांक्षति, उसमें प्रकाश प्रवृत्ति मोह सत्व की परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में हम 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 मिलाते उसे परिवर्तन। ये बिल्कुल गलती की बात है, ये केवल इन गुणों के संग से वैसा हम हामिल आते हो, बेटे के समझ गया मैं बाप हूँ साहब, बाप साहब मैं बेटा हूँ, आपको पूछने का बेटा हूँ आप बताओ कौन हो आप, अपेक्षा कर रहे आप ना बेटा हो ना बाप हो ना दादा हो ना पोता हो ना चाचा हो ना ताऊ हो, ये बहू है सा, ये सास है सा, ये नंद है सा, ये जिठानी है, ये दरानी है, ये ऊपर के चोलियों में इधर उधर है, भीतर में तो है, सास हूँ, बहू हूँ, दरानी हूँ, जिठानी हूँ, हूँ 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 सब एक है, इसमें भेद कहाँ है, वो हूँ मैं होने से हूँ है, मैं नहीं तो यह है वह है, तू है ही है, मैं होते हूँ हो जाता, तो हूँ है एक ही तो हुआ, ऐसे संसार मात्र में है वो हूँ एक साथ ही, मैं पर गया निर्ममो निरहंकार हूँ पर जाते ही शांति मत गए सदी। इसमें शंका हो नहीं सकती, हो तो बोलो बोलो शंका, खूब बढ़िया शंका लाओ, अरे शंका लाओ सामने तो मेरे को चुप कर दो, बोल कोई गप गप मत मार, सच्ची बात बोल, कोई जानना हो तो मैं महिमा के लिए नहीं कहा, आप ये संत मेरे संत क्या करें फालतू बात करें, तक तो वो है जीवों का क्यों है,
अपने होना अपने में क्या फर्क पड़ा। आप बालक हो, आप जवान हो, आप बूढ़े हो, आप रोगी हो, निरोग हो, होने अपने में क्या फर्क पड़ा बताओ। ये अवस्था में फर्क पड़ा है, आप में खुद में क्या फर्क पड़ा। आपका होना अपना वैसा वैसा है, वो होना अपना आपका है, बदलने वो आपका नहीं है। विद्यते भाव असतः भाव विद्यमान है ही नहीं, ये सब बदलने वाले है। शरीर बदलने वाला, गोत्र बदलने वाले, जात बदलने वाले, ये बदलने वाले, बदलना अपना सुख है ही नहीं। कभी कहते जवान हूँ, कभी कहते बूढ़ा हूँ, कभी कहते मैं बूढ़ हूँ, ऐसे शरीर की अवस्था होती है। हाँ महा मिला जैसा शरीर जवान हो, मैं जवान हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तू बूढ़ा कैसा हो गया, पूरापन है ही नहीं। अरे बूढ़ा हो जा, मर जा तो न्याल हो जा, ये मर जा तो पाप ही कट जाए, मरता है नहीं। अब क्या करे, आपत्ति होगी। सात दिन को लगता है वो तो रहता नहीं, मरता है। अरे आप मरता है नहीं, चाहे आप मर जाए तो ठीक हो जाए, अथवा मरने से आप अलग हो जाए तो ठीक हो जाए। तो मरेगा तो नहीं, तो अलग होनी ये बात है, ठीक है। अलग होना वही है, ये हुए थे पुरुषम प्रकृति से गुण ऐसा सर्वथा वर्तमान हो भी सब हुई जाए तो फिर पहले होता ही नहीं। ये हुए थे पुरुषम और प्रकृति से गुण ऐसा, गुणों से प्रकृति अलग है। ये विभाग है, आपको प्रत्यक्ष दिखता है। अवस्थाएं बदलती है, परिस्थिति बदलती है, ये सटीक बात। संयोग वियोग ये बदलता है, आना जाना बदलता है, मिलना बिछोड़ना ही बदलता है। आप बदल जाते हो, आप और हो जाते हो, संयोग में और वियोग में और हो जाते हो। धन आ जाए तो आप और हो गए, निर्धन हो गए तो आप और हो गए। बिल्कुल बाहर की बात बदली, हमें और कैसे हो। एकदम विनश्यतु अविनश्यंतम, यह पश्यति स पश्यति, इसको देखता वो देखने वाला है, नहीं तो अंधा है। तो आप अंधे नहीं हो, आप ठीक देखते हो। शरीर बदल गया, आप बदल गए। आप जब छोरी थी तब भी आप थे, फिर सुहागन हुई तो आप हुई, विवाह हुई तो आप हुई। आप में क्या फर्क पड़ा, शरीर में बदला। शरीर बालक होता कि जवान हो गया, कभी बूढ़ा हो गया, कभी मर गया, तो शरीर मर गया, आप मर गए। शरीर बदल गया, आप बदल गए। कैसी बात करे, वो तुम बात करेगी। विनश्यतु अविनश्यंतम, ये पश्यति स पश्यति, बोलो वो आप है। नित्य निरंतर रहने वाले, अगर नित्य निरंतर न रहे तो बदलने को समझेगा कौन। जो बदलने वाला बदल जाएगा तो बदलने को समझेगा नहीं, वो तो बदल गया, कौन समझेगा। संपूर्ण बदलने में आप बदलने को जानने वाले हो, आप बदलने वाले नहीं हो। बताओ, इसमें शंका करो। विनश्यतु अविनश्यंतम, वो देखता ठीक देखता है। ठीक देखने का नाम ज्ञान है, जैसा है वैसा देखे वो ज्ञान है, और तरह देखे और तरह इस तरह का ज्ञान। तो आप सदा रहते हो, मैं हूँ, इसमें प्रमाण कोई लाना पड़ेगा, कुछ शास्त्र ढूंढना पड़ेगा, स्वतः मैं हूँ, हम संदेह नहीं है। तो आपके होने में संदेह नहीं है। अब दूसरे नाशवान को आप मिला लेते हो साथ, मैं तो ब्राह्मण होंगे, मैं क्षत्रिय होंगे, मैं स्त्री होंगे, मैं पुत्र होंगे, मैं जवान होंगे, बूढ़ा हूँ। ना जवान है, ना बूढ़ा है, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, आप तो परमात्मा के साक्षात अंश हो। ऊपर की चोरा है जो बदलेगी, मरेगी, नष्ट हो जाएगी, ये क्या इज्जत है। अरे आपकी इज्जत है, आप परमात्मा के साथ साथ हो। कितनी सरल बात है, आप हो। अरे आपको आश्चर्य होगा, अरे भूफुत में बोल गए तो परमात्मा का अंश हूँ, साक्षात परमात्मा का लाडला हूँ मैं, परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा है। अरे आगे परमात्मा में ही मिल जाओगे, परमात्मा में
परमात्मा आपकी जाति का है, आपके ज्ञाति का है, आपका संबंधी है, और ये आपके संबंधी नहीं है, ये तो सब झूठा है, असत है, नाशवान हुए, ये बाहर चला जाता है, निरंतर बहता है, और आप निरंतर रहते हो तभी तो बहते को जानते हो, बहते को जानता है, वो जानता है, वही रहने वाला होता है, बहने वाला बहने को नहीं जान सकता, बहने वाला बहने कैसे जानेगा, वो तो बह जाएगा, रह जाएगा, वो बहने वाला जानता है, सब बहते हैं जिसे जानते हो रहते वालों, तो विनश्यंतु अविनश्यंतम या पश्यति सपश्यति, विनाश न होने वाले को देखता है, उसकी दृष्टि ठीक है, बिना सेवा शरीर में नाश हो गया स्वामी, हमें हाँ मिला दिया, मैं धनी हो गया था, मैं निर्धन हो गया था, अब क्या तू धनी हो गया, क्या निर्धन हो गया, पास पत्थर इकट्ठा कर लिया, धनी हो गया, पत्थर चले गए, निर्धन हो गया, क्या कर रहे हो आप, तो बस आप है जो गए जो है, कोई आदर करे तो आप ही हो, निरादर करे तो आप हो, कोई प्रशंसा करे तो आप हो, कोई आदर निरादर प्रशंसा निंदा करे तो आप ही, आप में क्या फर्क पड़ा, आपका होना पड़े उसमें क्या फर्क पड़ा, बताओ कोई आता हुआ मुझे, सीधी सीधी बात है, कितनी सुगम कितनी सोरी एकदम बदलते हो, आप बदलना बदलने वाले बदलना विभाग है भाई, ये बदलने वाला विभाग है, शरीर जितना स्थूल सूक्ष्म का है ये सब बदलने का विभाग है, और अपने स्वरूप का विभाग न बदलने वाला है, दो बात है, सीधी बात है, बदलने वाले के साथ हम कभी रह नहीं सकते, हमारा बदलना कभी हो नहीं सकता, न जागृत रह सकती, न स्वप्न न सुषुप्ति रह सकती है, न धर्मत्ता रहती है, न निर्धनता रहती है, न रोगी रहता है, न निरोग रहता है, आप रहते हो है जैसे जैसे, न रोग है, न कोई बालक है, न कोई जवान है, न कोई बूढ़ा है, आप हो एक ही, विनश्यंतु अविनश्यंतम ये पश्यति सपश्यति, उसके समम पश्चन ही सर्वत्र समम अवसर में आत्मात्मन तथो जाति पर प्रगति क्रियमाण सब प्रगति होती सब प्रगति आपके प्रगति होती सब क्रियाओं का आप जानने वाले सीधी सारी बात है कृपानाथ कृपा करो आज ये जान लो आई धन सब आप स्त्री स्त्री नहीं हो शरीर स्त्री है आप पुरुष पुरुष नहीं हो शरीर पुरुष है तो ऊपर कपड़ा आप सफेद पहन लिया रंगीन पहन लिया तो कपड़ा रंगीन और सफेद आप रंगीन और सफेद हो गए रंगीन कपड़ा पहन से आप रंगीन हो गए सफेद पहन से आप सफेद हो गए ऐसे चोरी है स्त्री की है पुरुष की है ब्राह्मण की है क्षत्रिय की है वैश्य की है सूर्य की है पशु की है पक्षी की है वृक्ष की है सावर की है जंगम की है दलतर की है थलतर की है नलतर की है ये सब शरीर है और आप है जो न दलतर है न थलतर है न नलतर है न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण है न सावर है न जंगम है न स्वेदज है न पिंडज है न उद्भुज ये सब बदलने वालों को अब न बदलने वाले आप हो सब में बदलने वाला न बदलने वाला संसार बदलने वाला परमात्मा न बदलने वाला शरीर बदलने वाला आप न बदलने वाले शरीर संसार एक है न बदलने वाले एक कितनी शुभ बात है कितनी सरल बात है कितनी सच्ची बात है संसार बदलता है तो क्या भगवान बदल जाते हैं आपकी अवस्था बदल जाती है आप बदल जाते हैं कोई नहीं मानता है अवस्था बदलती है परिस्थिति बदलती है घटना बदलती है आप बदलते हो आप तो अगर बदल जाए तो कौन जानेगा बदलने को न बदलने वाला जानता है तो आप बदलने न बदलने वाला आपका स्वरूप है बदलना आपका स्वरूप नहीं है इतनी सी है इतनी बात
लंबी जोड़ी बात नहीं है, अब नहीं सुनता हूँ या पश्चिति सपश्चिति परंगति नृत्य आत्मा आत्मा नी परंगति। इसमें संदेह हो बताओ, जो शंका उत्पन्न होती हो पूछो। जब तक वो चेतन है तब तक वो जानता है कि मैं ईश्वर की आत्मा अंश हूँ, लेकिन जब चेतन से अगर वो जानता है तो अगले जन्म तक भी उसने यही जानना चाहिए कि मैं ईश्वर की आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान आगे क्यों नहीं रहे? अरे आत्मा ये ज्ञान बुद्धि का बाबा, ये ज्ञान नष्ट होने वाला है, भूलने वाला है, आपकी सत्ता भूलने वाली नहीं है। हाँ बोलो, आप बोलो। बात तो समझ में आई, लेकिन रस बुद्धि जब तक खत्म नहीं हो तब तक ये बात बैठती नहीं। बैठती नहीं, आप बैठा लो, पकड़ लो, रस बुद्धि नष्ट होने वाली है, आपकी सच्ची बात नष्ट होने वाली नहीं है, रस बुद्धि टिकने वाली नहीं है। बोलो, इसमें करो शंका। हमारे बात समझ में आ गई थी, रस बुद्धि क्यों पड़ी है? क्यों पड़ी? तो पड़ी हो, अभी पड़ी रह दो, अभी पड़ी रह दो, उसको छेड़ो ही मत। आपके समझ में आ गया, समझ का आदर करो, बेसमझ का निरादर करो। बेसमझी निरादर नष्ट होने वाली है, बेसमझी रस बुद्धि नष्ट होने वाली है, आप नष्ट होने वाले नहीं हो। ये ठीक है कि नहीं? सही है तो रस बुद्धि कितनी नाशवान है, बधा ही नहीं है। आप मेरी बात मान लो बधा नहीं होगी, नहीं मान लो तो बधा आवेगी। बोलो, आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता? आनंद का अनुभव मत करो अभी, अभी मेरी बात मानो, मानो मेरी बात। आनंद का अनुभव हो जाएगा, ब्याह हुआ बेटा तो हुआ ही नहीं, वो भी हो जाएगा। ठहरो, अभी ठीक जाओ, अभी मेरी बात मान लो, अभी मेरी मान लो। अच्छा, मेरी बात मांगने में कोई आपको रिस्क है? कुछ संदेह कोई कोई धोखा है क्या? धोखा नहीं है ना? मैंने कभी धोखा दिया किसी को? तो मैं कहता हूँ वो बात मान लो, नहीं समझ में आए तो न सही, दिखे नहीं तो नहीं सही, आनंद नहीं आओ न सही, सब बात को न सही, मेरी बात को सही, तो फिर काम हो जाएगा। सही नहीं है उसको तो आप मानते हो, सही बात को तो आप मानते नहीं। विनय से तू अभिनश्यंतम या पश्यति सपश्यति, तो उसको देखो। मैं बालक बना था हूँ या आज हूँ, देश बदल गया, काल बदल गया, क्या आनंद क्यों नहीं? आनंद मतलब भाई आनंद लेना ही नहीं है अपने, अपने तो बोध को प्राप्त करना है। आप पहले आनंद आनंद हो जाए, आनंद हो जाए ना, आनंद लेना नहीं, कोई कहे आनंद हो जाना, हमें लेना ही नहीं है, हम ग्राहक ही नहीं आनंद के, हम तो तत्व के ग्राहक हैं, हम आनंद के ग्राहक नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा है द्रौपदी को, मैं धर्म का पालन करता हूँ, मनुष्य का धर्म का पालन करते भी है कि राज्य के लिए धर्म पालन करता हूँ, वो धर्म के तत्व को नहीं जानता। इस आनंद के लिए आप ढूंढते हो, आप तत्व को नहीं जानते। आनंद हम है नहीं, ज्यादा भी खोजे तो परवाह नहीं, बात ये सच्ची है, सच्ची सच्ची रहेगी। कृपा करो मेरे पर, कृपा करके मान लो कि हम तो वही है नित्य रहने वाला, और हूँ है मैं मिल गया, है हूँ नहीं है। ये तत्व मसीह का अर्थ है, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ, महावाक्य का अर्थ है। हूँ है ही नहीं, मैं है ही निर्ममो निरहंकार, निरहंकार मैं कहाँ है? निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, जो अहंकार नहीं ब्रह्म की स्थिति है, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त। निर्ममो निरहंकार अहम तो दिखता है, जागृत में स्वप्न में अहम दिखता है, सुषुप्ति को अहम दिखता ही नहीं, तो आपके साथ अहम रहता ही नहीं, तो आप मैं कैसे होगा, हूँ कैसे हो गया? अब है ही है,
है रूप से अब अहंकार को पकड़ने से हूँ होता नहीं, हूँ है ही है नित्य तिरंतर है वो मेरे, ये है ही नहीं, मैं तू यह वह नहीं है, मैं और तो ये थे माया, ये मैं तू ये माया है, भगवान ने कहा माया, अब माया को तो छोड़ो, अंधाता माया को छोड़ दू, मैं और मोर तेर दे माया जीवन की ने जीव निकाया, माया में क्यों फंस रहे हो, मैं मेरा है ही नहीं, मैं तो है ही है, मैं में माया नहीं है, मेरे तेरे में माया है, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भ जो संसार, मैं मेरे दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार, जिसके राम जी आधार है वो मेरे में, मैं मेरे में क्यों फंसे, मैं मेरा स्वरूप नहीं है, ये कल्पना है, क्यों फिर मैं बालक हूँ, किसी कहते मैं तो बूढ़ा हूँ, अरे तुम बालक से बूढ़े कैसे हो गया भाई, माँ के सामने जाकर मैं तो बेटा हूँ, बहन के सामने मैं भाई हूँ, लुगाई के सामने मैं पति हूँ, तू सत्य बता, बेटा है भाई है पति है क्या है बता, क्या बताओ झूठी बात क्या बताओ, ये तुम उनके देखते हो है, माँ के सामने बेटा हूँ मैं, बेटे के सामने बाप हूँ, तुम बाप हो बेटा हो क्या है, तुम बनना बाप हो ना बेटा हो, बेटे को देखे तो बाप हो, बाप को देखे तो बेटा हो, दादे को देखे तो पोता हो, अरे पोते को देखे तो दादा हो, अरे इस तरह कोई क्या बदलता है, बहुत रुपया निकल देता, तो ये आपका बदलना नहीं है, ये तो उनके लिए है जो सामने आते उनके लिए है, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो साधु हूँ, तो गृहस्थी के लिए साधु, साधु के लिए गृहस्थी, न गृहस्थी है न साधु है, ये कोई टिकने है ही नहीं, जो टिकने नहीं वाला उसको तो पकड़ते है, टिकने वाली बात पकड़ते ही नहीं, जिसमें आए ही तो वो बात पकड़ते है, ही तो वो बात नहीं पकड़ते, ये सब शरीरों का भेद है, कोई स्थूल है कोई थकाकृष है कोई बूढ़ा है कोई ऐसे, ये तो सब जा रहे हैं, तो सब इतने रहने वाला एक परमात्मा वो हमारा, हम परमात्मा के, ये रहने वाला दिल सब बहने वाला शरीर और संसार सब बहने वाला परमात्मा और हम रहने वाले, ये रहने वाले हम बहने वाले की, ये रहने वाले की हम रहने वाले की ये बहने वाला, इतनी बात बोलो, अधिक से अधिक वेदांत पढ़ोगे आप क्या निकालोगे, सब वेदांत पढ़ गए तब तुम क्या निकालोगे, इसके सिवा निकालो बताओ, मैंने आप बताओ कोई इतना बढ़िया वेदांत कितना बाकी रह गया, आप बहने वाले नहीं मानता था, आप रहने वाले हो, ये बहने वाले शरीर और संसार है, आप रहने वाले नहीं, आप रहने वाले मैं हूँ, अभी सत्ता है, होनापन हमारा स्वरूप है, इसमें कभी कोई बाधा आती ही नहीं, ये कभी कोई पुराना होता नहीं, कोई बूढ़ा होता नहीं है, कोई क्या बूढ़ा हो जाएगा, क्या रोगी हो जाएगा, क्या निरोग हो जाएगा, क्या धनी हो जाएगा, क्या निर्धन हो जाएगा, क्या परिवार हो जाएगा, क्या एकला हो जाएगा, है में क्या हो जाएगा, बार होने वाले हाँ हाँ मिलाते हैं, हाँ मिलाते हैं, तो हमें हाँ मिलाओ तो मेरी हाँ हाँ मिलाओ, ध्यान जाओ हमें हाँ मिलानी है, आपको शौक है तो मेरी हाँ हाँ मिलाओ, अब नुकसान नहीं होगा, मेरी हाँ हाँ मिलाना नुकसान नहीं होगा, क्यों मेरी नहीं है तो भगवान की है, नहीं मैंने अहंकार है, इस अपरा में स्थिति ये मेरी है, मेरे बाप की है, ये तो स्थिति नहीं, नाम प्राप्त थी जो प्राप्त मोहित नहीं होता, तो ये चीज मैं गीता जी कहता हूँ, गीता की बात आप भी मानो मैं भी मानू सब मानो, लाभ की बात है, मेरे मुँह निरहंकार है, शांति मत कर सती, मेरे मुँह निरहंकार अहंकार है नहीं, अहम 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 मैं दिखता है, मैं है ही नहीं,
अब ध्यान दो, और तरह बताता हूँ, इसी को और तरह बताता हूँ। यह संसार है, यह है, यह ऐसे यह शरीर है, यह 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 संसार है, यह शरीर है, यह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कान शरीर है, यह हाथ है, यह अंगुलियां है, ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, यह है, सब यह करके है, सब यह करके है, प्रकृति प्रकृति का कार्य सब यह है, यह यह, और यह का प्रकाशक चेतन परमात्मा है, परमात्मा इसका प्रकाशक है, ये प्रकाशित होने वाला यह है, इसका आधार परमात्मा है, इसका आश्रय परमात्मा है, इसका इसका सबका आधार परमात्मा है, इसका सब अधिष्ठान परमात्मा है, और ये अध्यस्त है, वो एक है, ये अनेक है, वो रहने वाला है, ये बहने वाला है, यह है परमात्मा है, आप कहाँ है बताओ, मुफ्त में कर ली, मैं का अनुभव किसी भाई बहन को तो बताओ मेरे को, मैं का अनुभव है, केवल मन वाली बात है, मैं है ही नहीं, बताओ, मैं को देखा है किसी ने, शरीर को देखा है, इंद्रियों को देखा है, मन बुद्धियों को समझा है, मैं अपन को देखा है क्या, मैं भी है ही नहीं, कोरा मान लिया मैं, झूठा मैं मान लिया, और सबसे मुख्य मान लिया, बस अब मैं मौजूद हूँ, झूठे को मुख्य मानने की क्या दशा होती है, एक यह है और ये का प्रकाशक है, ये दो चीज है, ना मेरा है ना मैं है ना मेरे लिए है, ना कामना है ना अहंकार है ना ममता है ना अहंता है एक चीज और है का प्रकाश है परमात्मा है वो बदलता है परमात्मा बदलता नहीं वो हमारा है बदलता नहीं हमारा नहीं है इतनी बात बोलो सबका प्रकाशक सबका आश्रय सबका अधिष्ठान सबका दोनों वो है और ये नहीं है तो नहीं को मत पकड़ो अंदाता कृपा करो इस नहीं को मत पकड़ो रहता रूप सही कर रखो बहता सगन भीज रहते हो सकता है जितना न्यारा हो निर्खंदा है ऐसा अविनाशी आयन जैसी भाग बड़े भेटा है ये आन जैसी भाग बड़े भेटा है भाग बड़ा है आज भेजा करो है रूप मेरा रूप तो है मेरा है तो परमात्मा है संसार नहीं है ये नहीं से हमारा मतलब नहीं हमारे शहर से मतलब है ही हमारा स्वरूप नहीं हमारा स्वरूप ही नहीं है बोलो इस समझ को और बोलो कि शंका करो इसको समझ करके करना मैं तो है ही नहीं तो प्रकृति यही है या नहीं है प्रकृति नहीं है प्रकृति साथ गया गुण रहा हूँ सब प्रकृति साथ गया स्वयं सत्ता तो स्वयं मैं के बिना है मैं नहीं है मैं का प्रकाशक सत्ता है बिल्कुल नहीं है तभी मिट रही नहीं मिटाई कैसे होती है मिटती है क्या ना भाव विद्युत सत्ता सत्य का भाव होता नहीं मैं का भाव होता है सुसुक्ति में गाढ़ सुसुक्ति मैं है क्या तो मैं नहीं है इसका अभाव है आप हो दोनों साफ साफ है मैं का भाव और अभाव दोनों आप जानते हो आपके अभाव को इतने आदमी जो कोई भी अपने आप के अभाव को जानता हो बताओ हाँ फरमा दो आप मैं हूँ ये बात तो ठीक है आपने बताई हाँ लेकिन ये परिवार है कुटुंब है धन संपत्ति इनका भी रख रखाव इनका तो अपने पास जो है सब धन संपत्ति हमारे परिवार की है उनको अपने न मानो कभी परिवार की मानो और प्रभु की सेवा करो अपनी है ही नहीं
है ही परिवार की, इस बार परिवार की सेवा में बत लगा दो, उनकी सेवा में ससुराई से लगाओ, फातिहा देंगे भाई कोई एक मेरे को देते थे, एक को देते थे, कोई भिक्षा आवे तो रोटी दे दो, सब दे दो, सब दे दो, कैसे दे दो, सबकी पाती है इसमें, मेरी है नहीं, सबकी पाती है, रुखा रहा हूं मैं, क्यों कहते थे अपने अपने सिंह से बोलो छोड़ देते, छोड़ के चल दिए बस, ये पकड़ी है, मिली है और छूटने वाली है, याद है दोनों बातें, मिली हुई है छूटने वाली है, मिली है छूटने वाली है, आप है ही नहीं, थी नहीं, रहेगी नहीं, मिली हुई है छूटने वाली है, आप मिले हुए हो, इतने छूटने वाले हो तो आपको बात बता दें बस, आपकी बात आपको दे दी, आपका ज्ञान आपको दे दी, हमारे क्या मतलब उसने, आप माने तो आपकी मर्जी, न माने तो आपकी मर्जी, आपकी चीज आपको दे दी, हमने हमारी चीज दी नहीं, हम उसकी दे ही नहीं सकते, हमारी हमारी ही है, आपकी आपकी है, तो आपकी ये चीज आपको दे दी, अब मौजूद हो, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, आज मौजूद ही हमारे है, वो हमारा है, नहीं है वो हमारा ही नहीं, है जो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखी है, सो दिखे ना है, ये नहीं 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 है, नहीं 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 है, ये तो बह रहा है निरंतर, इन बहने वाले का सहारा मत लो, नाश होने का सहारा मत लो, जो अविनाशी उनका सहारा लो, ठीक है ना, बोलो सुना दे भाई, बहने वाला रहने वाला, बहने वाला बहन और सुन लो, बहने वाला रहने वाला सुन लो, इस बात को पकड़ लो, जैसे बहने वाला रहने वाला दो है, एक बहने वाला एक रहने वाला, रहने वाला आपका स्वरूप, बहने वाला आपका स्वरूप है ही नहीं, वो बहते ही चला जाए, आपका कैसे हो गया, आप रहने वाला ये बहने वाला, आपकी जाति नहीं मिलती, आपका संबंध नहीं मिलता, ये बहने वाले आप रहने वाले,